खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपुरा की तस्वीर है, जहां उरी के बाद सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान को दोबारा सबक सिखाने का वक्त आ गया है? सर्जिकल स्ट्राइक करके हम क्यों बैठ गए हाथ पे हाथ धर के? हमको फिर दोबारा करना चाहिए, तिबारा चौबारा, जितनी बार पाकिस्तान का दिल नहीं भरता करना चाहिए। पुलवामा में आतंकवादियों ने एक कार में 200 किलो से ज्यादा विस्फोटक भरा और उसे सीआरपीएफ के काफिले से टकरा दिया। सवाल ये है, क्या पुलवामा में हुआ आतंकी हमला एक और सर्जिकल स्ट्राइक की वजह बनेगा? नहीं समझ आती तो फिर आपको करना होगा वो जो इनकी समझ के अंदर घुसे, इस मोटी खोपड़ी के अंदर घुसे। अगर खोपड़ी तोड़नी पड़ी तो हम तोड़ेंगे, लेकिन मैसेज आपको पहुंचा देंगे। आप समझते हैं कि आप हमारे जवानों का खून ऐसे ही ले लेंगे, मुफ्ती में लोगे? ये मुफ्त नहीं है साहब, ये चवन्नी के दाम नहीं मिलेगा, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सवाल यह है, क्या लगातार सर्जिकल स्ट्राइक न करके भारत ने गलती की? जवाब दिया तो कुछ दिन शांति रही, फिर आप बोल के बैठ गए कि साहब अब तो हम एक ही सर्जिकल स्ट्राइक 30 साल के लिए काफी है। नहीं है, और करनी पड़ेगी, ज्यादा बड़े पैमाने पे करनी पड़ेगी। जब तक उसको दर्द ना हो उतना दर्द दीजिए कि वो बंद करे, फ्री रन मत दीजिए, लला मत करने दीजिए। आज पुलवामा की तस्वीरें आतंक से सहानुभूति रखने वाले नेताओं से भी सवाल पूछ रही हैं, जो आतंक से बात करने की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, अलहदगी पसंद लोगों से बात होनी चाहिए, इसी तरह जो मिलिटेंट लीडरशिप है उनके साथ भी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि वही है जिनके हाथ में बंदूक है और वही है जो बंदूक को बंद कर सकते हैं। जो ये टेररिस्ट जो डोंट ब्लेम ओनली पाकिस्तान, इफ पाकिस्तान वांट यू टू बी ब्लेम देन इट्स डिफरेंट, द लोकल पीपल आर नाउ जॉइनिंग दिस, इट्स नॉट पाकिस्तान दैट इज। आप अपनी इतिहास में इसलिए पिटे हैं कि पानीपत में आपने आके सब लड़ाइयां लड़ी है। अपने देश में जो देश के अंदर लड़ते हैं वो हारते हैं, देश के बाहर लड़ाई लेके जाइए, दूसरे का नुकसान करिए ताकि उसको इतना नुकसान हो कि वो ये सब तमाशबीन बंद करे। आज कंठ अवरुद्ध हैं, आंखें नम हैं, होंठ कांप रहे हैं, मुट्ठियां भिज रही हैं, बाजुएं फड़क रही हैं और चेहरा तमतमाया हुआ है, क्योंकि आज आतंकवादी देश को बहुत बड़ा जख्म देने में कामयाब हो गए। आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी को उड़ा दिया। जम्मू कश्मीर में आज जो कुछ हुआ वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। देश ने 39 जवान खो दिए हैं, जिसके बाद देश सवाल पूछ रहा है कि आतंक का अंत कब होगा, पाकिस्तान में बैठा आतंकी मसूद अजहर कब खत्म होगा, हाफिज सईद कब मारा जाएगा। और यही वो सवाल है जो आज पूरा देश पूछ रहा है। ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपुरा की तस्वीर है, जहां उरी से भी बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान को दोबारा सबक सिखाने का वक्त आ गया है? सर्जिकल स्ट्राइक करके हम क्यों बैठ गए हाथ पे हाथ धर के? हमको फिर दोबारा करना चाहिए, तिबारा चौबारा, जितनी बार पाकिस्तान का दिल नहीं भरता करना चाहिए। पुलवामा में आतंकवादियों ने एक कार में 200 किलो से ज्यादा विस्फोटक भरा और उसे सीआरपीएफ के काफिले से टकरा दिया। सवाल यह है, क्या पुलवामा में हुआ आतंकी हमला एक और सर्जिकल स्ट्राइक की वजह बनेगा? अगर नहीं समझ आती तो फिर आपको करना होगा वो जो इनकी समझ के अंदर घुसे, इस मोटी खोपड़ी के अंदर घुसे। अगर खोपड़ी तोड़नी पड़ी तो हम तोड़ेंगे, लेकिन मैसेज आपको पहुंचा देंगे।
आप समझते हैं कि आप हमारे जवानों का खून ऐसे ही ले लेंगे, मुफ्ती में लोगे? ये मुफ्त नहीं है साहब, ये चवन्नी के दाम नहीं मिलेगा, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सवाल यह है कि लगातार सर्जिकल स्ट्राइक न करके भारत ने गलती की। जवाब दिया तो कुछ दिन शांति रही, फिर आप बोल के बैठ गए कि साहब आप तो हम एक ही सर्जिकल स्ट्राइक 30 साल के लिए काफी है। नहीं है, और करनी पड़ेगी, ज्यादा बड़े पैमाने पे करनी पड़ेगी। जब तक उसको दर्द ना हो उतना दर्द दीजिए कि वो बंद करे, फ्री रन मत दीजिए, लला मत करने दीजिए। आज पुलवामा की तस्वीरें आतंक से सहानुभूति रखने वाले नेताओं से भी सवाल पूछ रही हैं, जो आतंक से बात करने की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, अलहदगी पसंद लोगों से बात होनी चाहिए, इसी तरह जो मिलिटेंट लीडरशिप है उनके साथ भी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि वही है जिनके हाथ में बंदूक है और वही है जो बंदूक को बंद कर सकते हैं। जो ये टेररिस्ट जो डोंट ब्लेम ओनली पाकिस्तान, इफ पाकिस्तान वांट यू टू बी ब्लेम देन इट्स डिफरेंट, द लोकल पीपल आर नाउ जॉइनिंग दिस, इट्स नॉट पाकिस्तान दैट इज। आप अपने इतिहास में इसलिए पिटे हैं कि पानीपत में आपने आके सब लड़ाइयां लड़ी है, अपने देश में जो देश के अंदर लड़ते हैं वो हारते हैं, देश के बाहर लड़ाई लेके जाइए, दूसरे का नुकसान करिए ताकि उसको इतना नुकसान हो कि वो ये सब तमाशबीन बंद करे। 26/11 हुआ था याद है, 26/11 याद है ना, मुंबई में आतंकियों ने हमला किया था, बाद में क्या हुआ? फूल चढ़ाए, मोमबत्तियां जलाई, श्रद्धांजलि दी गई और हमारी सरकार के दरमियान उरी हुआ था। उरी के बाद क्या हुआ, क्या हुआ, ये बदल हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मोदी की इस उपलब्धि ने ही देश की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, देश बदले की मांग कर रहा है। तब इतनी बड़ी मात्रा में निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और सरकार सोचती रही, उरी ने हमें सोने नहीं दिया। दोपहर 3:37 जम्मू कश्मीर के पुलवामा का अवंतीपुरा, यही वो हाईवे है जिस पर सीआरपीएफ जवानों का काफिला जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जा रहा था। इस काफिले में 74 गाड़ियां थी जिसमें सीआरपीएफ की 3 बटालियन के 2547 जवान सवार। सभी जवान इस बात से बेखबर थे कि विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही सीआरपीएफ बटालियन की बस पहुंची, जैश ए मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद विस्फोटकों से भरी गाड़ी को काफिले से टकरा दिया। जिस स्कॉर्पियो गाड़ी से सीआरपीएफ की बस को निशाना बनाया गया, उसे जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी आदिल अहमद डार चला रहा था। ये उसी आदिल का वीडियो है जिसमें वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। तुम्हें ऐसी तबाही का सामना करना होगा जो तुम्हें तुम्हारी नस्लों और अक़वामी आलम के सामने निशान इबरत बना देगी इंशाअल्लाह। हम तुम्हारी मिन्नत नहीं करते कि जुल्म बंद करो, और नहीं तुम्हारे आगे रहम की भीख मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं, बल्कि तुम्हारे इस जुल्म से हमारे जिहाद को और कुव्वत मिल रही है। जम्मू कश्मीर में जैश ने जो किया, ऐसे हमले तालिबान और आईएसआई जैसे आतंकवादी संगठन ही अंजाम देते रहे हैं। आपको समझाने के लिए हम एक प्रतीकात्मक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आतंकवादी एक गाड़ी में विस्फोटक भर कर लाता है और सैनिकों के बीच अपनी गाड़ी खड़ी करके उसे उड़ा देता है।
तरीका भारत के बाहर बहुत पुराना है, लेकिन भारत में इस तरीके को आजमाने का शायद ये पहला मौका है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने गाड़ी में 200 किलो से भी ज्यादा विस्फोटक भर रखा था, जिस वजह से इतना जोरदार धमाका हुआ कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। ये देखिए जो गाड़ी विस्फोटक से उड़ी उसके हिस्से कितनी दूर तक बिखरे हुए हैं। It's a terror incident. It's a terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast. There was a vehicle convoy which was coming, and it was there is an explosion. And what is the nature of explosion? How it has happened? What led to this explosion? These are all subject of investigation. ABP News को मिली जानकारी के मुताबिक आदिल अहमद डार पुलवामा के रहने वाला था, जो पिछले साल जैश ए मोहम्मद में शामिल हुआ। खास बात यह है कि आदिल पिछले साल मई में एक मुठभेड़ में घिर गया था, लेकिन किसी तरह वो बच निकलने में कामयाब हुआ। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमारा पास है, एक आदिल का नाम आया था, उनका फोटोग्राफ भी उन्होंने पब्लिश किया है, बट कोई सबूत नहीं है, प्रूफ अभी तक नहीं है। हमारा एफएसएल फॉरेंसिक टीम बाकी टीम वहां पहुंचा है। हमले के वक्त आतंकियों ने जिस बस को निशाना बनाया उसमें सीआरपीएफ के कुल 39 जवान मौजूद थे। इनमें से ज्यादातर जवान छुट्टियां खत्म करने के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। आतंकवादियों के इरादे कितने खतरनाक थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गाड़ी को उड़ाने के बाद आतंकवादियों ने बस पर फायरिंग भी की। बस की तस्वीरें देखिए जो आतंकवादियों की गोली से छलनी हो गई। आतंकी इस हरकत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, पुलवामा में हुआ हमला आतंकी घिनौनी करतूत है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, सारा देश शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। हमले का समुचित जवाब देने के लिए सारा देश एकजुट है। हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं और देश की जनता को यह भरोसा देते हैं कि इस पर जो भी कार्रवाई करना आवश्यक है उसे करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात की, तो वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, और इसी बीच गृह सचिव जो कि भूटान दौरे पर थे वो भारत वापस लौट रहे हैं। पुलवामा में हुए हमले सुरक्षा में चूक को भी सामने लाकर रख दिया है। इस पर आपको ज्यादा जानकारी दें उससे पहले एक्सपर्ट से समझिए इतने बड़े हमले का नतीजा क्या हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे आने वाली प्लानिंग में दो तीन चीजें और शामिल होंगी। इतना बारूद इकट्ठा शायद ना कर पाए, क्योंकि अभी सुरक्षा बलों की भी इस बारूद के खिलाफ बारूद इकट्ठा ना हो पाए इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो हो सकता है थोड़े बारूद के साथ और किसी बच्चे को वो बांध के उसको जैसे ड्रग्स वगैरह दे करके अफीम खिला करके और उसके शरीर पे ये बांध करके और उस आम जनता के बीच में भेजा जाए या सैनिकों के बीच में भेजा जाए, वहाँ उसको रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट किया जाए। इस किस्म की चीज़ों के प्रति भी हमें आगे से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। मोटरसाइकिल बॉम्ब और साइकिल बॉम्ब्स के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। पुलवामा हमले की सबसे चिंताजनक बात सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब सुरक्षा कर्मियों का इस तरह का काफिला गुजरता है तो उसके आगे और पीछे सुरक्षा की गाड़ियां चलती हैं, बाकायदा हाईवे की चेकिंग होती है, लेकिन फिर भी आतंकवादी हाईवे पर 200 किलो से ज्यादा विस्फोटक से भरी कार खड़ी करने और बाद उससे हमला करने में कामयाब हो गए। यही नहीं, आतंकवादियों ने जिस तरह से विस्फोट के बाद गोलीबारी की उसके बाद जानकार इसे एक सोच समझ कर किया गया हमला करार दे रहे हैं। मसूद अजहर ने पिछले महीने पाकिस्तान से आतंकी अब्दुल राशिद गाजी को कश्मीर भेजा ताकि आईईडी एक्सपर्ट गाजी कश्मीर के स्थानीय नौजवानों को आईईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग दे सके। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि आतंकी मसूद अजहर ने अपने भतीजे उस्मान और तलहा की मौत का बदला लेने के लिए आतंकी गाजी को कश्मीर भेजा था। उस्मान और तलहा को
सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट में मार गिराया था और उसी का बदला लेने के लिए गाजी कश्मीर में मौजूद था। और अब इस घटना के बाद सुरक्षा बल गाजी की तलाश में जुट गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बलों को ऐसे हमले का अलर्ट भेजा था। 9 फरवरी को संसद पर हमला करने वाले आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। ऐसे में एजेंसियों ने 8 फरवरी के लिए IED ब्लास्ट का अलर्ट भेजा था। हालांकि हमला कहां और कब होगा इस पर कुछ भी साफ नहीं था। ये टाइप का इनपुट मिलता रहता है, ये टाइप का इनपुट के ऊपर हम भी कार्रवाई करते हैं, हम भी बाकी लोगों को अलर्ट करते हैं। सो द रिपोर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ IED यूसेज वाज आल्सो देयर दैट वाज शेयर्ड बट इट इज नॉट अ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। साल 2017 में गृह मंत्रालय की स्थायी समिति ने पठानकोट, उरी, पंपो, बारामूला, नागरोटा में हमले की जांच में पाया कि इन जगहों पर खुफिया एजेंसियां नाकाम रही। रिपोर्ट में बताया गया कि खुफिया एजेंसियों ने ठीक ठीक नहीं बताया कि हमला किस जगह होने वाला है। यही वजह है कि एक्सपर्ट इसे बड़ी चूक बता रहे हैं। रोड ओपनिंग पार्टी ने रोड को खोला भी होगा, लेकिन क्योंकि कश्मीर में बहुत दिनों तक कार बॉम्ब का इस्तेमाल फिदायिन हमले में नहीं हुआ है, इसलिए शायद कारों की अच्छी तरह से चेकिंग नहीं की गई। अब इसके बाद मेरे ख्याल से चेकिंग शुरू होगी और इसके बाद इसी हमले को दोहराना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा नहीं बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इस बार ये तो कुछ हद तक इसको हम चूक कह ही सकते हैं। लेकिन मामला सिर्फ सुरक्षा में चूक का नहीं है, देश विरोधी राजनीति का भी है। फारूक अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर के दोनों नेता आतंक के हौसले बढ़ाने वाली बातें करते रहते हैं। सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला को सुनिए, जो पाकिस्तान का नाम आतंक से जोड़े जाने पर इतने खफा हुए कि अपना इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चले गए। जो ये टेररिस्ट जो डोंट ब्लेम ओनली पाकिस्तान, इफ पाकिस्तान वांट मी टू बी ब्लेम देन इट्स डिफरेंट, द लोकल पीपल आर नाउ जॉइनिंग दिस, इट्स नॉट पाकिस्तान दैट इज। क्या लगता है आपको कि क्या हाल होगा और पाकिस्तान को क्यों ब्लेम ना किया जाए, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ कायराना हमला होता है तो कहीं ना कहीं पाक के जो है लिंक सामने आते हैं। गई वहां कश्मीर गई, हैव यू बीन टू कश्मीर? लेकिन सर जो रिपोर्ट्स, हैव यू टॉक्ड टू द कश्मीरीज देयर, दीस यंग बॉयज हु आर फाइटिंग, हैव यू टॉक्ड टू देम? हैव यू टॉक्ड टू देम? You have never talked to them. Okay. And how do you expect them? आप ये कहना चाह रहे कि ये पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट नहीं है? आप जो भी कहना चाहें कहें, आपकी मर्जी। But are you backing them, sir? Who? I have never backed Pakistan. You are backing Pakistan. That's what I'm asking. Your media is backing Pakistan. Why will we back, sir? I'm asking you a very direct question. Please, you're asking me a wrong question. No, I'm not asking you a wrong question, sir. I'm just asking you. I'm just asking you कि जो Please, don't ask this rubbish. आतंकवादियों की हिमायती बनने में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती में होड़ मची हुई है। तभी तो महबूबा आतंकी अफजल गुरु के अवशेष लौटाए जाने की खुलेआम मांग कर रही है। ने जब अफजल गुरु को 28 नंबर से उठा के फांसी दी गई, उसको अपने घरवालों से मिलने नहीं दिया गया, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को वापस नहीं दिया गया, उसके बाद भी मुफ्ती साहब ने बाज़ाब्ता लेटर लिखा कि अफजल गुरु की जो डेड बॉडी है उसको वापस लाया जाना चाहिए, तो इसलिए इसमें हमारा स्टांस कभी चेंज नहीं हुआ। राजनीति का ये रंग किसी भी हिंदुस्तानी को परेशान कर सकता है, लेकिन सियासत इसे ही कहते हैं। अब देश की नजरें प्रधानमंत्री पर टिकी है। जवान के खून का एक एक बूंद हमारे लिए पवित्र, और उसी में से भीतर वो आग थी जो आग उस जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में। और उसी का परिणाम हुआ सर्जिकल स्ट्राइक। बदलाव ऐसे आता है।
जिसने पुलवामा में बहुत बड़ा खूनी खेल खेला, कायर की तरह जवानों की पीठ पर वार किया। भारत का वो दुश्मन मसूद अजहर अब मरेगा। पाकिस्तान का वो मोहरा जो गीदड़ की तरह भारत को धमकियां देता रहा, छिपकर खंजर मारता रहा, वो मसूद अजहर अब मरेगा। बीस साल पहले भारत के हाथों जो बच निकला और पाकिस्तान का गहरा यार चीन जिसे बार बार बचाता रहा, वो मसूद अजहर अब बचेगा नहीं, मरेगा। पाकिस्तान में छिपकर जिसने तीन साल पहले पठानकोट एयरबेस पर हमले का जख्म भारत को दिया, पाकिस्तान जिसे बचाने के लिए लगातार झूठ पर झूठ बोलता रहा, वो मसूद अजहर अब मरेगा। वो पाखंडी जो खुद को मौलाना कहता है, धर्म के नाम पर नौजवानों को बरगलाकर आतंक की आग में झोंक देता है और भारत के खिलाफ फिर करता है इस्तेमाल, वो मसूद अजहर अब मरेगा। पुलवामा में उरी से भी ज्यादा बड़ा घाव भारत को देने वाला अब किसी कीमत पर नहीं बचेगा, अपने किए का अंजाम वो भुगतेगा। मसूद अजहर अब मरेगा। से कुछ देर पहले हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी थी, हमने बताया था भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार मसूद अजहर को पाले बैठी है और उससे आतंकी हमले करवा रही है। हम कह रहे हैं अब मसूद अजहर मरेगा और आतंक का नाश होगा, तो तैयार हो जाइए शहीदों के सम्मान में और आतंक के खिलाफ पाकिस्तान की घंटी बजाने के लिए। करीब 20 साल पहले तारीख 24 दिसंबर 1999, इंडियन एयरलाइंस के विमान को नेपाल से हथियारबंद आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। विमान को आतंकी काठमांडू से अमृतसर और लाहौर के बाद अफगानिस्तान के कंधार ले गए थे। 178 यात्रियों को जिंदा छोड़ने के बदले आतंकियों ने मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों की रिहाई की शर्त भारत के सामने रखी थी। तत्कालीन अटल सरकार ने 3 आतंकियों को छोड़ने का फैसला किया और भारत की जेल में बंद मसूद अजहर आजाद कर दिया गया था। इसी मसूद अजहर को तब जिंदा छोड़ देने का खमियाजा भारत आज तक भुगत रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2019 के सबसे बड़े आतंकी हमले की ये तस्वीरें इसकी सबसे ताजा गवाह हैं। कंधार कांड में रिहा होते ही मसूद अजहर ने साल 2000 में जैश ए मोहम्मद नाम का संगठन खड़ा कर लिया, कश्मीर में सेना के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया जो वो अब तक कर रहा है, और इस काम में पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI मसूद की हर तरह से मदद करती है, जबकि पाकिस्तानी सेना मसूद अजहर को हमेशा पर्दे के पीछे रखती है, उसे कट्टरपंथी के रूप में दुनिया के सामने पेश करती है ताकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई पाकिस्तान को ना करनी पड़े। मसूद अजहर की पूरी कुंडली और भारत को नुकसान पहुंचाने के हर मंसूबे से पर्दा उठाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि मसूद अजहर को मोहरा बनाकर पाकिस्तान क्या क्या करता है।
आईएसआई इसको इस्तेमाल करती है हिंदुस्तान के ऊपर, वो जो जनरल जियाउल हक की पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स की जो उन्होंने बनाई थी, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि 47 के बाद से लेकर आज तक जितने भी युद्ध हुए उसमें पाकिस्तान को एक मुक्की खानी पड़ी, तो उन्होंने ये पॉलिसी बनाई और उसको आगे बढ़ाने के लिए मसूद अजहर है। जैश ए मोहम्मद क्योंकि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो मुद्दा है ये भारत को दुनिया भर में उठाना चाहिए कि एक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुखिया जो है खुलेआम घूमता है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर रहता है, वहां पर संरक्षण पाता है, उसके खिलाफ एक्शन की भारत को डिमांड करनी चाहिए और इस तरीके का निज़ाम करना चाहिए कि अगर कोई भी उसको प्रोत्साहित करता है तो उसके खिलाफ एक उसको एक खामियाजा भरना पड़ेगा। पाकिस्तान की यही सरपरस्ती मसूद अजहर की सबसे बड़ी ताकत है जिसका इस्तेमाल वो कश्मीर में भारतीय जवानों का खून बहाने में कर रहा है। जैश ए मोहम्मद को मसूद ने पैदा तो कश्मीर में लड़ाई के लिए किया, लेकिन अब पूरे भारत में अपने संगठन के जरिए हमले करके वो खौफ फैलाने की फिराक में रहता है। December 2001 को भारत की संसद पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसके जख्म अब तक नहीं भर पाए हैं, तो 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ। इन दोनों हमलों में भी मसूद अजहर का हाथ रहा। भारत मसूद के खिलाफ पुख्ता सबूत सौंपता रहा लेकिन पाकिस्तान लगातार नकारता रहा, और अब पुलवामा में मसूद अजहर अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रहा। लेकिन पठानकोट और पुलवामा दोनों ही हमलों में एक समानता दिखती है और वो है खुफिया एजेंसियों और सरकारी तंत्र की नाकामी, जिसकी कीमत दोनों ही हमलों में जवानों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। एक लिहाज से तो इंटेलिजेंस की नाकामी माना जा सकता है, लेकिन उसको पूरी तरीके से इंटेलिजेंस की नाकामी मानना बोलना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि एक जनरल लेवल की तो इंटेलिजेंस थी, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस नहीं थी। अब ये भी मेरे ख्याल जो जांच एजेंसियां हैं ये देखेंगी कि इस तरीके का कौन सा सेल था जिसने इस तरीके का हमला किया और उसको किस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो हैं वो जो खामियां रही हैं उनको एक लिहाज से ठीक कर सकती है। मसूद अजहर क्यों कामयाब हो रहा है? क्योंकि हमारे फेलियर से। आप यूनाइटेड स्टेट्स को ले लीजिए, 2011 के बाद उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनाया। आप देखें, अपार्ट फ्रॉम ये जो अभी एक दो शूटिंग्स हुई हैं, बाहर से कोई आतंकी नहीं आ सका, कोई आतंकी अटैक नहीं ऐसा हो सका। हिंदुस्तान को भी यही करना पड़ेगा। अपने खिलाफ बड़ा खतरा बनते मसूद अजहर को भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में शामिल कराने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में पाकिस्तान का दोस्त चीन अड़ंगा बन गया। भारत समेत अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने कोशिश की कि मसूद का नाम इंटरनेशनल टेररिस्ट की सूची में शामिल हो जाए, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 सदस्यों में से सिर्फ चीन ही ऐसा रहा जो इसका विरोध करता रहा और मसूद को बचाता रहा। चीन के इसके पीछे पूरे इरादे क्या हैं वो आपको एक्सपर्ट समझाएंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, वो कॉरिडोर किसके लिए बना रहा है? कि उसकी जो ऑयल सप्लाईज है, उसकी जो सप्लाईज है गदावर पोर्ट में आएंगी ये गल्फ कंट्रीज से, और वहां से बाय रोड जाएंगी सीधा चाइना। और आपको पता है, एक उसके अंदर टाइम कम लगता है, दूसरा उसके ऊपर खर्चा कम आएगा, और तीसरा वो बिल्कुल सिक्योर है। और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को वो इस से वो उस जो कोजी पिक्चर दी हुई है पाकिस्तान को उससे हटाए। पाकिस्तान की मंशा ये है कि मसूद अजहर को डिक्लेयर नहीं करे और चाइना उसको मानता है, तो इसीलिए चाइना वीटो कर देता है उस मूव को यूनाइटेड नेशंस के अंदर। अगर हम एक मुद्दा उठाएंगे चीन उसको वीटो कर देगा, हम चुप करके वापस घर आ जाएंगे और चीन को उसका कोई खामियाजा नहीं भरना पड़ेगा, तो फिर ये तो खेल मुफ्त में वो खेल रहे हैं। अपने जो उन्होंने अपना एक जो पालतू कुत्ता पाला हुआ है उसको वो खुला छोड़ा हुआ है, उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने कोई लगाम नहीं कसी,
और हमने भी उनको कुछ नहीं कहा कि वो आप करते रहिए जो भी आप कर रहे हैं। इसमें भारत सरकार की एक लिहाज से विदेश नीति की एक विफलता है, चीन को इसका एक दाम चुकाना चाहिए और भारत सरकार को वो दाम इम्पोज करना चाहिए चीन के। मसूद अजहर पाकिस्तान में ही छिपकर रहता है। दावा किया जाता है कि वो एक मस्जिद में बेहद कड़ी सुरक्षा के घेरे में रहता है और वहीं से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। मसूद का नाम सीधे तौर पर और ज्यादा सुर्खियों में ना रहे, इसके लिए पाकिस्तान नए नए हथकंडे अपनाता है, उसके बारे में झूठी खबरें उड़ाता है। जैसे कुछ महीनों पहले मसूद अजहर के बारे में ये खबर फैलाई गई कि वो रीढ़ की हड्डी और किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। रावलपिंडी से खबरें तो यहाँ तक आई कि वो 1.5 साल से बिस्तर पर है और अपने भाइयों को उसने जैशे मोहम्मद की कमान सौंप दी है, लेकिन ये सारी खबरें पाकिस्तान की तरह ही झूठी निकली और इसीलिए झूठ और आतंक से भरे मुल्क और मसूद अजहर जैसे उसके मोहरों का अंत अब बहुत जरूरी हो गया है। ये जो इंसान है इसका पाकिस्तान के अंदर भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन इसकी इतनी बड़ी हो गई है कि अगर आज इसको अगर रिमूव भी करना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को। ये अपने लोगों को एक तो पैसा इकट्ठा कर रहा है इस्लाम के जरिए, इस्लाम का नाम देके, और उस पैसे को ये इस्तेमाल कर रहा है ट्रेनिंग कैंप इस्टेब्लिश करने के लिए। हाँ, वो ट्रेनिंग कैंप ISI के साथ मिलके इस्टेब्लिश हुए हैं, वो प्रूव्ड है, और उसको इनको ये साथ में जितने मिलिटेंट्स वहाँ ट्रेन होते हैं हिंदुस्तान क्योंकि पाकिस्तान का एनिमी नंबर वन है उनके तरफ एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा ये अफगानिस्तान में, इसके अलावा ये दूसरी कंट्रीज के अंदर भी ये इनको एक्सपोर्ट करता है। आप देखिए आज की तारीख में अगर फ्रांस में भी मिलिटेंट अटैक होता है उसके जो तारे हैं वो पाकिस्तान तक पहुँचते हैं। तो इसलिए ये बड़ा क्लियर है कि ये जो इंसान है इसको पाकिस्तान इसको इस्तेमाल कर रहा है अपने इस टेरर फैक्ट्री के को एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन सिर्फ मसूद अजहर ही नहीं है जो भारत की पीठ पर खंजर चलाता है। भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में लश्करे तैयबा का मुखिया हाफिज सईद भी शामिल है, जो भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार जहर उगलता है, गीदड़ भभकियां देता रहता है। हाफिज की करतूतों से भी पर्दा हम लगातार आपके सामने उठाते रहे हैं। ये दोनों जो है ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ये आज तक जितने भी मिलिटेंट से रिलेटेड हमारे अटैक हुए हैं कश्मीर घाटी के अंदर या कहीं और भी, क्योंकि जो हाफिज सईद जो है वो ज़्यादा कश्मीर घाटी के अंदर सक्रिय है, और असद मसूद अजहर जो है वो बजाय अपने सारे हिंदुस्तान के अंदर अपने टेंटिकल फैला रहा है इवन अप टू नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वो एक रेडिकलाइज करे जा रहे हैं लोगों को। तो ये दोनों भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़े ही ये मैं कहूँगा भारत के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। अब इनको एलिमिनेट करना मैं नहीं समझता मुश्किल है, सिर्फ फिर वही बात आई थी पॉलिटिकल विल की, क्या हमारी पॉलिटिकल विल है कि हम इनको एलिमिनेट करें। आज अगर इंडियन गवर्नमेंट ये चाहे कि इनको एलिमिनेट करना है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे में इतनी क्षमता है, हमारे फोर्सेज के अंदर इतनी क्षमता है, हमारे ब्लैक ऑप्स के अंदर इतनी क्षमता है कि इन दोनों को एलिमिनेट चुपचाप किया जा सकता है। लेकिन भारत के इन दो दुश्मनों को जितनी जिंदगी जीनी थी वो इन्होंने जी ली, अब इनका अंत करीब है, और सबसे पहले नंबर आने वाला है पुलवामा में खूनी खेल खेलने वाले आतंकी मसूद अजहर का। मसूद अजहर अब मरेगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।